शायरी में हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिग्गो की जिग्गो। सो गाइस, इट्स मॉर्निंग और ये मॉर्निंग की ये सुबह की बहुत इंतज़ार था। ये रमज़ान चालू होगा तो सुबह उठेंगे शायरी में, तो फाइनली रमज़ान स्टार्ट हो चुका है और पहले शायरी है, तो आज देखते हैं आज क्या रहेगा पहली शायरी में। तो पहली शायरी से लेके तारीख तक जिग्गू की जिग्गू रहेगी आप लोग के साथ। तो गाइस, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, हम लोग उठ चुके हैं। क्या है शायरी में, क्या है? अम्मी चिकन का सालन डब्बे में डाल के रख दीजिए ना, खाली करके। अब भी सोए थे आधा घंटा पहले, तो ऐसे रहेगा प्रोग्राम सारा। मेरी सिर्फ तकड़ आ चुकी है, जो सोती भी जल्दी और उठती भी लेट है। तो क्या लोग अरे चलो रे दस्तरखान की दस्तरखान की चाल का दस्तरखान नहीं है। तो वही तो काम पहले करना। तो गाइस, खाना हो चुका है, चाय चाय की चाय बज रही है 5। लेट उठ के भी जल्दी हो गया खाना। हम फोन करो भैया। तेज सुरमा तेज आग अच्छी रहती है, कचरा पूरा निकल जाता है इससे। गाइस, हो चुका है जोहर का टाइम, तो फटफट चलते हैं और दोपहर में अभी नमाज पढ़ते हैं, जोहर की नमाज पढ़ते हैं। देखते हैं, घर में तो कोई है ही नहीं और अम्मी पढ़ रहे हैं नमाज। पूरा खाली पड़ा है सन्नाटा। मस्त शहरी हो गई पहली शहरी डन। और अभी आज की इफ्तारी घर में नहीं है, इफ्तारी एक्चुअली आज की जो इफ्तारी है वो जैनब के उधर है। तो वसीम भाई का कॉल आया था रात को ही कि आप लोग आ जाओ इधर इफ्तारी के लिए, क्योंकि आज पहली इफ्तारी साथ में करते हैं। तो हम लोग ने बोले कि अच्छे से प्लान करके करेंगे एक साथ बाद में आने वाले रोज़ों में, कि एक साथ आराम से करेगा क्योंकि आज कैसा भैया भी नहीं है और सैफा भी नहीं रहेगी। तो बोले कि वो तो बाद में करेंगे आराम से अपन सब मिल के, बट आप अच्छी इफ्तारी, बट आज पहला दिन है तो आ जाओ तो अपन साथ में ही करते। तो फिर भाई ने बहुत बोले कि आ जाओ, तो फिर हम लोग बोले कि चलो इंशाल्लाह आज इफ्तारी उधर ही कर लेंगे, वैसे भी हम लोग तीन ही जाने इधर। तो फिर इंशाल्लाह शाम को तो जाएंगे इफ्तारी के लिए भाई के घर पर, और मिलते हैं जैनब से, वसीम भाई से, उनकी फैमिली से, सबसे मिलते हैं और फिर देखते हैं इफ्तारी उधर ही होगी आज। कैसी इफ्तारी होती है, पहली इफ्तारी हुई नमाज लगा क्या सुरमा? अब्बा का फोन आ गया। तो गाइस, हो चुका है इफ्तारी का टाइम, चलते हैं इफ्तारी के लिए, क्योंकि जैसे कि बताया जाना है जैनब के घर, तो चलते निकलते हैं क्योंकि पहुंचने में लेट हो जाएगा और फिर इफ्तारी के लिए खा के हो जाएगी, मतलब एकदम ऑन टाइम पे पहुंचूंगा फिर, इसलिए थोड़ा पहले निकल रहा हूँ ताकि थोड़ा आराम से पहुंचूं बैठूँ। सो गाइस, इफ्तारी तो माशाल्लाह से हो गए, बट अभी प्रॉब्लम ये हो गई कि नमाज के लिए बहुत लेट हो चुका है और क्योंकि तरावी के लिए जाने गए, नहीं तो फिर तरावी के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी फट फट घर पे पहुंचा हूँ, 2 मिनट में फ्रेश होता हूँ
और तुरंत बल निकलते तराबी के लिए। कल तो माशाल्लाह से पहले दिन एक दिन की तराबी तो हो गई, तो मैं 10 दिन की तराबी पढ़ रहा हूँ, तो कल एक दिन तो हो गया, आज सेकेंड डे, और वैसे 10 दिन पूरे मुकम्मल करना है इंसान ने। चलो चलते हैं फटाफट। चलते हैं अभी नमाज के लिए, तराबी के लिए। 10 दिन की तराबी इंसान, 10 दिन मुकम्मल करना है तराबी। अच्छा भाई लिफ्ट लेट हो चुका है ऑलरेडी, कहीं कि एंड टाइम में जाकर ना एक दो छूट जाते हैं, तो उसकी वजह से हर साल मैं ये ट्राई करता हूँ कि 10 दिन की तराबी पढ़ लूँ ताकि मुकम्मल हो जाए, छूटे ना। नहीं तो पूरे मंथ में एक आधा दिन छूट ही जाता है, एंड में शॉपिंग पे जाना है या किधर इफ्तारी के लिए जाना है, तो फिर प्रॉब्लम होती है। वालेकुम गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो गई और कुछ सामान ले लिया हूँ। चिप्स तो ऐसे लिया, लुब्जा है और खजूर है, बटर बटर है, चार चीज़ है। और नमाज हो गई माशाल्लाह, आज सेकंड डे था, सेकंड डे कंप्लीट हो गया। अभी जाते हैं घर पे, खाना वाना खाते हैं और देखते हैं बाकी सबका क्या हाल है। किधर जा रहे साहब, रेडी वेडी होके इतना काजल वाजल लगा के? अरे अम्मी देखो कैसा गया आपका रोजा? मुझे कुछ पता ही नहीं भाई, मुझे तो बहुत पता चला। क्या बना भाई, वो फ्लॉप बनाए क्या? क्या बात है, और भूख लग गई देख के। तो यार मुझे तो बहुत रोजा लगा, भूख लग गई थी दबा के, बहुत गंदी वाली भूख लग गई थी, लगी तो लगी थी भाई झूठी। बने पुलाव और खाते पुलाव। हमने कुछ भी बोल देना, नमाज पढ़ा तराबी जाके आया है। तो गाइस वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का। एक मिनट गाइस, आवाज बहुत डिस्टर्बेंस है। सो गाइस इस वीडियो को एंड करते हैं। आज का दिन माशा अच्छा गया, रोज़ा भी अच्छा गया, और पहला रोज़ा मुझे थोड़ा मालूम पड़ा, बट किसी को भी मालूम नहीं पड़ा, सब तो ऐसा बोल रहे हैं, पर मुझे थोड़ा सा मालूम पड़ा। तो आज का दिन तो गया माशाल्लाह, आप लोग रमज़ान के पूरे रोज़े रखो और रमज़ान के यू ब्लॉग देखते रहो। सो टिल देन टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।